हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और आज भी हम इसमें अध्याय नंबर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक इस पाठ को जारी रखेंगे। और इस पाठ में जिस हम उप विषय पर चर्चा करेंगे ना वो है आरंभिक मानव। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वर्कशीट में हम आदिम मानव के द्वारा प्रयोग की जाने वाली चीज़ें या जो भी जैसे भी वो अपना रहन सहन करते थे या व्यवहार करते थे जैसे भी करते थे उसके बारे में इस वर्कशीट में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं औजारों की कि आखिर वो किस तरीके के औजार प्रयोग करते थे। पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। यानी जो पुरातत्वविद होते हैं ना, यानी कि जो खोज करते हैं इतिहास की, उन्हें जो वस्तुएं मिली उसके आधार पर ही हमें ये जानकारी मिली कि लोग जो हैं उस समय के लोग अपने काम के लिए पत्थर लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते होंगे। इनका प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने एवं लकड़ियां काटने के लिए किया जाता था। तो अब आप समझे कि इन औजारों का प्रयोग वो आदिम मानव किस लिए करते होंगे कि भाई जो उन्होंने भोजन इकट्ठा किया उसको काटने, जैसे फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल काटने और जानवरों की खाल उतारने एवं लकड़ी काटने के लिए वो इनका यूज़ करते थे। अब हम चलते हैं शैल चित्रकला पर। नाम से पता चल रहा है शैल चित्रकला यानी पत्थरों पर चित्रकला। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हुए चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का भी बड़ी कुशलता के साथ सजीव चित्रण किया गया है। देखिए जैसे कि यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है बहुत ही बढ़िया चित्र है कि किस तरह से उस आदिम मानव ने जो आज से कम 20 लाख वर्ष पहले थे उन्होंने ऐसा बनाया था। तो क्योंकि उनके पास कोई पेन पेपर तो होता ही नहीं था इसलिए वो गुफाओं की दीवारों पर ऐसे चित्र बनाते थे जिसे हम शैल चित्रकला के नाम से जानते हैं। फिर है पुरास्थल। देखिए पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हों, यानी कि वो स्थान जहाँ पर उन लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों के अवशेष यानी टुकड़े मिलते हों। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। तो ये जो अभी हमने समझा कि पुरास्थल कहते किसे हैं, ऐसा था कि जो स्थान जहाँ पर ये लोग अपने इस्तेमाल की गई चीज़ों को छोड़ जाते थे। क्यों छोड़ जाते थे? क्योंकि पहले तो वो उनका खूब प्रयोग करते थे लेकिन जब वो कहीं छोड़ के दूसरी जगह चले गए तो वो इन वस्तुओं को ऐसा का ऐसा ही छोड़ जाते थे। फिर आग की खोज जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। यानी जो कुरनूल में एक पुरास्थल है वहाँ पर एक गुफा है वहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो इन चीज़ों के लिए आग का प्रयोग शायद हुआ होगा। तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक्स। चलिए चलते हैं हम अपने आसान से प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि खाद्य संग्राहक के औजार किस चीज़ से बने होते थे? तो देखिए अभी अभी ऊपर हमने बात की है कि औजार किस चीज़ से बने होते थे। देखिए खाद्य संग्राहक के औजार पत्थर लकड़ियों और हड्डियों के औजार जो वो थे खाद्य संग्राहक जो है वो बनाया करते थे। यानी जो खाद्य संग्राहक थे वो औजार किन किन चीज़ों से बनाते थे? अभी अभी हमने समझा था पत्थर लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाते थे। फिर दूसरा प्रश्न है कि पुरास्थल किसे कहते हैं? तो हमने अभी बहुत अच्छे से समझा कि पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। याद रखना अवशेष मिलते हैं।
फिर तीसरा प्रश्न है कि आरंभिक लोग आग का उपयोग किन कार्यों के लिए करते होंगे। तो देखिए, आरंभिक लोग आग का प्रयोग प्रकाश के लिए, मांस भूनने और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया करते थे। तो आप संजय, देखिए टेलीग्राम चैनल पर भी हमने लवनीश सर की क्लास नाम का चैनल बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके इस वीडियो का और सारी बाकी जितनी भी वीडियो हैं उनका भी लिंक आप आसानी से पा सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए। देखिए, जब आप देख रहे हैं तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी, जो कि आपका अपना चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसके सब्सक्राइबर्स को 50K या उससे ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद अब स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।